किसी ने सताया हो या हक मारा गया हो, अपराध हुआ हो या अन्याय, जब इंसान इस पीड़ा से गुजरता है तो न्याय की गुहार लगाता है, इस उम्मीद में कि गलत करने वाले का हिसाब होगा, गुनाहगार को सजा मिलेगी और पीड़ित के साथ इंसाफ होगा। समय तो वक्त आने पर इंसाफ कर ही देता है, लेकिन न्यायालय की चौखट पर अर्जियां लगाने वालों को इतनी आसानी से इंसाफ नहीं मिलता। चप्पलें घिस जाती हैं न्याय मांगते मांगते, हौसला और कमर दोनों टूट जाते हैं इंतजार करते करते, लेकिन यह इंतजार और लंबा होता जाता है। हमारे देश की अदालतों में न्याय मांगती ऐसी लाखों करोड़ों फाइलें दबी हुई हैं। हर दिन कुछ फाइलें उठाई जाती हैं, फिर नई तारीख देकर फाइलों को दबा दिया जाता है। पीड़ित लोग बेबस और बेसहारा महसूस करते हैं, समझ नहीं पाते कि आखिर जाएं कहां, इंसाफ मांगे तो किससे मांगे। लचर न्याय व्यवस्था के सताए लोगों को सहारा देने के लिए एक है रहस्यमय धाम, जिसकी कहानी हम आज आपको बताने जा रहे हैं। यहां अर्जी लेकर देश और दुनिया से भक्त पहुंचते हैं, लेकिन खाली हाथ कोई नहीं लौटता। देखिए न्याय के देवता का चमत्कार रहस्यम की हमारी इस नई रिपोर्ट में। कोर्ट कचहरी से जब नहीं मिलता न्याय, तब लोग इस धाम में आकर लगाते हैं अर्जी। चिट्ठियों में लिखी जाती है फरियाद, बिना तारीख बिना देरी के हो जाता है इंसाफ। इस मंदिर में ना देर है ना अंधेर है, ना ही कचहरी वाली फाइलों का ढेर है। भगवान के दर पर सिर्फ एक चिट्ठी और कोर्ट कचहरी जैसे झंझटों से तुरंत मुक्ति। न वकील न दलील न गवाह, जब खुद देवता कर रहे हो इंसाफ, तब इनकी जरूरत नहीं पड़ती। तारीख पर तारीख और फिर तारीख पर तारीख, हमारे देश में कोर्ट कचहरी की यही हकीकत है। तारीखों के फेर ने न्याय की प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिया है कि इंसाफ सपने की तरह लगने लगा है। अगर वक्त पर न्याय मिल जाए तो इंसान खुद को खुशनसीब समझता है, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में एक ऐसा चमत्कारी धाम है जहां बिना तारीख के सभी को न्याय मिलता है। मंदिर से जुड़ी मान्यता ऐसी है कि यहां लोग दूर दूर से अपनी अर्जियां लेकर आते हैं। क्या है न्याय के देवता की महिमा, कैसे होता है ये चमत्कार, चलिए बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। मंदिर में चारों तरफ टंगे घंटे, घंटों के बीच पेपर पर लिखी अर्जियां, अर्जियों में न्याय की गुहार और हर गुहार को पूरा करता देवता का चमत्कार। ये कोर्ट नहीं, मंदिर है, धाम है इंसाफ के देवता का, जहां तारीखें नहीं चलती, न दलीलों के फेर में मामले को उलझाया जाता है। यहां न गवाही होती है न सबूत दिखाने होते हैं। ये ऊपर वाले की कचहरी है, जहां सबके गुनाहों का पूरा हिसाब है। यहां वकील और दलील का कोई काम नहीं, न्याय के देवता सबके साथ इंसाफ करते हैं। भक्त अर्जियां लगाते हैं और इंसाफ हो जाता है। जब लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काट कर थक जाते हैं, जब इंसाफ के नाम पर सिर्फ ठोकरें मिलती हैं, तब लोग उम्मीद का आखिरी सहारा लेकर चले आते हैं गोलू देवता के पास। देवभूमि उत्तराखंड में अल्मोड़ा से 9 किलोमीटर की दूरी पर है गोलू देवता का यह अद्भुत और अलौकिक धाम। इस मंदिर में भक्तों की गहरी आस्था है, मंदिर से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। माना जाता है कि जिसे कोर्ट कचहरी से इंसाफ नहीं मिलता, वो अल्मोड़ा के पास चितई इलाके में मौजूद गोलू देवता के इस दर पर अर्जी लगाकर न्याय मांग सकता है। इसके लिए मंदिर में आकर अर्जी लगानी होती है। भक्त अपनी समस्या को कोरे कागज पर उतार देते हैं, जिसके बाद इन चिट्ठियों को गोलू देवता के मंदिर की दीवार पर टांग दिया जाता है। यहाँ दीवारों पर आपको चारों ओर ऐसी ही हजारों अर्जियां लटकी हुई नजर आ जाएंगी। इन अर्जियों को भक्तों ने खुद अपने हाथों से यहाँ लगाया है।
मान्यता है कि यहाँ अर्जी लगाने से भक्तों को न्याय मिल जाता है। सालों से कोर्ट में लंबित पड़े मामलों में फैसले आ जाते हैं और लोगों को कोर्ट कचहरी के झंझट से निजात मिल जाती है। जिन भक्तों की मुराद गोलू देवता के आशीर्वाद से पूरी होती है, वो भक्त इस मंदिर में दोबारा आते हैं और मंदिर में घंटा टांग कर चले जाते हैं। मंदिर की दीवारों पर टंगे इन घंटों का ढेर बता रहा है कि यहाँ कितने भक्त अर्जी लगाकर न्याय ले चुके हैं। गोलू देवता अपने न्याय के लिए दूर दूर तक मशहूर है। उत्तराखंड में गोलू देवता के कई मंदिर हैं, लेकिन इनमें से सबसे लोकप्रिय और आस्था का केंद्र अल्मोड़ा जिले का चितई गोलू देवता का मंदिर है। इस मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ लगातार गूंजते घंटों की आवाज से ही देवता की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। गोलू देवता को स्थानीय संस्कृति में सबसे बड़े न्याय के देवता के तौर पर पूजा जाता है। इन्हें राजवंशी देवता के तौर पर जाना जाता है। गोलू देवता को उत्तराखंड में कई नामों से पुकारा जाता है। इनमें से एक नाम गौर भैरव भी है। स्थानीय लोग गोलू देवता को गोलजीव देवता भी कहते हैं। गोलू देवता को भगवान शिव का ही एक अवतार माना जाता है। गोलू देवता की और क्या क्या महिमाएं हैं, चलिए बताते हैं आपको। चितई में मौजूद गोलू देवता के इस मंदिर में गोलू देवता सफेद घोड़े पर सवार है। उनके सिर पर सफेद पगड़ी है, हाथों में धनुष बाण है। इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु न्याय मांगने के लिए आते हैं। मंदिर में भक्त मन्नत मांगने के लिए चिट्ठी लिखते हैं। इतना ही नहीं, कई लोग तो बाकायदा स्टाम्प पेपर पर लिखकर अपने लिए न्याय मांगते हैं। गोलू देवता को न्याय का देवता माना जाता है। भक्त देवता की पूजा करते हैं और उनके या उनके परिवार के साथ हुए अन्याय के लिए न्याय मांगते हैं। भक्त सफेद कपड़े, पगड़ी और सफेद शॉल चढ़ाकर गोलू देवता की पूजा करते हैं। यहाँ न्याय मिलने के बाद घंटी बांधने का चलन है। इसी मान्यता के चलते मंदिर परिसर हजारों घंटियों से भरा पड़ा है। कोई भी व्यक्ति गोलू देवता को पत्र लिखकर कोर्ट के मामले में दैवीय हस्तक्षेप की मांग कर सकता है। यही वजह है कि पूरे मंदिर में घंटियों के साथ साथ पत्रों के ढेर भी लगे हुए हैं। गोलू देवता कहां से आए, कब आए, यहां मंदिर में कैसे विराजे, इसको लेकर कई कहानियां यहां गूंजती हैं। कुछ के मुताबिक गोलू देवता कत्यूरी राजा झल राय के पुत्र और हाल राय के पोते थे। एक अन्य कहानी के अनुसार वो चंद राजा बाज बहादुर की सेना में सेनापति थे। गोलू देवता को ग्वाला भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है गायों को चराने वाला। गोलू देवता के बारे में ये कहावत भी प्रसिद्ध है कि अगर आप पवित्र गाय के गले में घंटी बांधते हैं तो उसकी ध्वनि एक पवित्र मंदिर की 1000 घंटियों के बराबर होती है। उनका मानना था कि सभी 33 करोड़ देवी देवता एक ही मंदिर में समाहित हैं। गोलू देवता के भाई बहन कलवा देवता भैरव के रूप में और गढ़ देवी शक्ति के रूप में है। कुमाऊं के बहुत करीब स्थित चमोली के गाँव में गोलू देवता को कुल देवता के रूप में भी पूजा जाता है। गोलू देवता से न्याय मांगने के लिए नैनीताल जिले के काठगोदाम स्टेशन से पहुंचा जा सकता है। नैनीताल तक जाकर आपको बस, टैक्सी या प्राइवेट वाहन करना होगा, जो आपको अल्मोड़ा के चितई में विराजे गोलू देवता तक पहुंचा देगा। एक बार कोई पीड़ित गोलू देवता के सामने आ गया और यहाँ की मान्यताओं के मुताबिक अर्जी लगा दी तो न्याय मिलना पक्का है। जहाँ अन्याय है वहाँ न्याय भी है। इंसान को उसके किए की सजा जरूर मिलती है। कुदरत वक्त आने पर सभी का सही हिसाब कर देती है, लेकिन न्याय का एक पहलू सामाजिक भी है। समाज में न्याय व्यवस्था के लिए अदालतों का इंतजाम किया गया है, लेकिन अफसोस की बात यह कि कोर्ट कचहरी की न्याय व्यवस्था से आम आदमी का भरोसा उठता जा रहा है। इसका कारण है न्याय मिलने में होने वाली देरी। कई बार तो उम्र गुजर जाती है न्याय का इंतजार करते करते। ऐसे ही अन्याय का शिकार हुए लोग गोलू देवता के दर पर अपनी फरियाद लेकर आते हैं। गोलू देवता से मंदिर से इतनी गहरी मान्यता जुड़ी हुई है कि लोग अदालतों से हिम्मत हार कर गोलू देवता से न्याय की अर्जी लगाते हैं। न्याय के गोलू देवता सभी के साथ इंसाफ करते हैं, और वो ये सब कैसे करते हैं ये सदियों से रहस्य है और शायद हमेशा ही बना रहेगा।